student of class 7th. I am continuing my lecture on your chapter number 7, congruence of triangles of your maths book. इस क्वेश्चन में आपने एक प्रॉब्लम पूछी हुई है युवराज ने पेज नंबर 144 पे फोर्थ पार्ट, ठीक है. तो उस फोर्थ पार्ट को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ पेज नंबर 144 पे, ठीक है. इसमें हमें ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है, टू ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है बाय एसएएस कंडीशन और उसे फिर सिंबॉलिक फॉर्म देनी है, ठीक है. तो देखो आपकी जो पी क्यू साइड है, ये साइड इस साइड के इक्वल दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर. ये साइड आपको कॉमन दे रखी है. इस ट्रायंगल में भी ये साइड आ रही है और इस ट्रायंगल में भी ये साइड आ रही है, ठीक है. और ये दो एंगल आपको इक्वल दे रखे हैं 30-30 डिग्री के, ठीक. तो आपने ट्रायंगल कैसे ले लेना है, पी क्यू आर और आर एस पी. यहाँ पर इधर से शुरू करना है तो यहाँ पर इधर से शुरू करना है. उसका रीजन क्या है, क्योंकि मेरी अपोजिट साइड इक्वल है और मेरे ऑल्टरनेट एंगल इक्वल है. अपोजिट साइड के एंगल इक्वल है, दिख रहे हैं ना, ये एंगल और ये एंगल. जैसे मेरा पैरेललोग्राम होता है, ठीक है, अपोजिट साइड इक्वल एंड ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल करेंगे, क्योंकि ये लाइन इस लाइन के इक्वल भी होगी और पैरेलल भी होगी. लेकिन इसमें इसका कोई कंसेप्ट नहीं है, सिर्फ नेमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ कि मैं नेमिंग ऐसे क्यों कर रही हूँ. इस टाइप के क्वेश्चन में मुझे नेमिंग इस तरह से करनी होती है, जैसे ये मेरा पी क्यू आर लेना है तो इसको मुझे आर एस पी लेना है, क्योंकि मेरा एंगल पी, इस ट्रायंगल का एंगल पी और इस ट्रायंगल का एंगल आर इक्वल है, दे शुड बी ऑन द सेम पोजिशन. नाम लिखते वक्त कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब एंड लगाऊंगी तो कोई जरूरी नहीं है नेमिंग ठीक हो गलत हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. लेकिन जहां मैंने ये साइन लगा दिया वहां अगर नेमिंग गलत होगी तो नंबर नहीं मिलेंगे. तो स्टार्टिंग से ही हमने सही लेके चलना है, ओके. तो इस ट्रायंगल का एंगल पी और इस ट्रायंगल का एंगल आर इक्वल है, तो मैं यहाँ पी क्यू आर करूंगी तो यहाँ आर एस पी करूंगी, ओके. यहाँ मेरी पी क्यू साइड है तो यहाँ मेरी आर एस साइड है, ये दोनों साइड मेरे को इक्वल दे रखी है, ठीक है. तो पी क्यू इज इक्वल टू आर एस एंगल, मैंने इनकी नेमिंग पूरी ना करके क्यू पी आर और एस आर पी भी लिख सकती थी, लेकिन मैंने सबको इजी बनाने के लिए इनका नाम दे दिया वन और टू. तो एंगल वन इक्वल टू एंगल टू, और इसमें बोलोगे पी आर तो इसमें बोलोगे आर आर पी, पी आर एंड आर पी आर कॉमन, ठीक है, पी आर एंड आर पी आर कॉमन. नेमिंग पे भी देख सकते हो, देखो यहाँ पर पी आर बन रहा है तो यहाँ आर पी बन रहा है, ठीक है ना. जब मैंने नेमिंग करी इस तरह से पी क्यू आर एंड आर एस पी, तो यहाँ मेरा पी आर बनेगा तो यहाँ मेरा आर पी नाम बनेगा. तो क्यों, क्योंकि मैं इसको पढ़ूंगी पी क्यू आर तो इसको क्या पढ़ूंगी आर एस पी, तो यहाँ पी आर आएगी तो वहाँ आर पी आएगी, तो दे आर कॉमन. तो साइड एंगल साइड, तो एस ए एस कंडीशन से मेरे ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए. दैट इज योर प्रॉब्लम आई हैव सॉल्वड. और उसके बाद आते हैं पेज नंबर 145 पे. 145 पेज पे जो ट्राइगीज है उस पे जो मेरी कॉन्ग्रुएंस कंडीशन दे रखी है वो दे रखी है एंगल साइड एंगल ए एस ए कॉन्ग्रुएंस कंडीशन दे रखी है, ठीक है. किस तरह से, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का ही इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखो. इस फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है नाम एम एन पी ट्रायंगल, उसमें आपको दे रखा है एम एंगल एन एंगल. आपसे पूछा है इन दोनों एंगल के बीच की इंक्लूडेड साइड कौन सी है, तो ये एंगल एम है ये एंगल एन है, तो इनकी इंक्लूडेड साइड हुई एम एन. एम एन इज द इंक्लूडेड साइड, बस आपको यही बताना है फर्स्ट क्वेश्चन में. अब जैसे सेकेंड क्वेश्चन की बात करूं तो उसमें आपको दो ट्रायंगल दे रखे हैं, एक दे रखा है डी ई एफ और दूसरा दे रखा है एम एन पी, ठीक है. इसमें एंगल डी और एंगल एम इक्वल दे रखे हैं, एंगल एफ और एंगल पी इक्वल दे रखे हैं. अगर मुझे इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है बाय एंगल साइड एंगल, दोनों एंगल की दो एंगल इक्वल होने चाहिए और उनकी इंक्लूडेड साइड भी इक्वल होनी चाहिए. तो विच इज द इंक्लूडेड साइड दैट आई नीड, कौन सी ऐसी एक साइड है जिसको मुझे ऐड करना पड़ेगा ताकि ये ट्रायंगल मेरे ए एस ए कॉन्ग्रुएंस कंडीशन से कॉन्ग्रुएंट हो जाए. तो एंगल एंगल दिस एंगल दिस एंगल, तो इंक्लूडेड साइड मेरी ये बैठी ना ये, तो डी एफ इज इक्वल टू एम पी आई रिक्वायर, ये मुझे चाहिए ताकि मेरे दोनों ट्रायंगल
ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए। तो देखो ए एस ए कॉन्ग्रुएंट कंडीशन होती क्या है, ए एस ए कॉन्ग्रुएंट कंडीशन में जो दो एंगल मेरे इक्वल होंगे एक ट्रायंगल और दूसरे ट्रायंगल के, तो उन दोनों ट्रायंगल की बीच की इंक्लूडेड साइड, दोनों एंगल के बीच की इंक्लूडेड साइड भी अगर मेरी इक्वल है तो मैं ए एस ए कॉन्ग्रुएंस कंडीशन से उन ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कह सकती हूँ। अब देखो आगे देखो क्वेश्चन, अब देखो थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं 145 पेज पे। 145 पेज के थर्ड क्वेश्चन को रीड करना है आप लोगों ने। इसमें आपको ट्रायंगल्स दे रखे हैं और हमें बताना है मेजर सम ऑफ द मेजर्स ऑफ सम पार्ट्स आर इंडिकेटेड बाय अप्लाइंग द एएसए कॉन्ग्रुएंस कंडीशन, स्टेट व्हिच पेयर ऑफ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इन केस ऑफ कॉन्ग्रुएंस राइट द रिजल्टिंग सिंबॉलिक फॉर्म। देखो आपको थर्ड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में दे रखा है, ये दो ट्रायंगल दे रखी है और बताने ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है एएसए कंडीशन से या नहीं है, अगर है तो सिंबॉलिक फॉर्म भी दे दिया। ठीक है, तो एंगल ए 40 डिग्री, तो एंगल एफ 40 डिग्री, एंगल बी 60 डिग्री, तो एंगल ई 60 डिग्री, फिर ए बी इज 3.5, यहाँ पर एफ ई इज 3.5, ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है। ठीक है, तो ये ट्रायंगल जो है वो दोनों कौन से कंडीशन से कॉन्ग्रुएंट हुए, एंगल साइड एंगल ए एस ए कंडीशन से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि दो एंगल की इंक्लूडेड साइड भी इक्वल दे रखी है, इन दोनों एंगल जो इक्वल है इस ट्रायंगल के एंगल के उनकी इंक्लूडेड साइड भी इक्वल है, इट मींस द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय ए एस ए कॉन्ग्रुएंस कंडीशन। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में हमारे ट्रायंगल्स ए एस ए कॉन्ग्रुएंस कंडीशन से हमारे कॉन्ग्रुएंट है। अब हमें इसमें सिंबॉलिक फॉर्म किस तरह से देनी है, सिंबॉलिक फॉर्म भी बता देती हूँ आपको। जैसे इसमें एंगल ए है तो इसका कौन सा एंगल है, ए किसके इक्वल है आपका एफ के, तो आप इधर एफ लिख देना। ठीक है, ठीक, इसका एंगल ए और इसका एंगल एफ, उसके बाद इसका एंगल बी और इसका एंगल ई। ठीक, उसके बाद बचा क्या ए बी सी, तो सी हो गया, इसका क्या बचा एफ ई डी, तो डी हो गया, और बीच में क्या हो गया कॉन्ग्रुएंट का साइड। साइड चेक करना चाहो साइड भी चेक कर सकते हो, ए बी साइड ए बी साइड, एफ ई साइड एफ ई साइड, इक्वल है 3.5 3.5। तो इस तरह से आपके ट्रायंगल की नेमिंग होती है। ठीक है, आई बात समझ। अब नेक्स्ट पार्ट इसमें इसी क्वेश्चन का ही आप देखो लास्ट पार्ट फोर्थ पार्ट, थर्ड क्वेश्चन का ही फोर्थ पार्ट है। इसमें भी ये ट्रायंगल दे रहा, दो ट्रायंगल बन रहे हैं आपके, एक तो ये ट्रायंगल बन रहा है और दूसरा ये ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, तो इसमें देखो ये जब ये वाला ट्रायंगल लोगे आप तो ये आपका पूरा एंगल ये वाला आएगा और इसमें सिर्फ ये वाला पार्ट आएगा। ठीक है, जब ये वाला ट्रायंगल लोगे तो इसमें ये पूरा एंगल आएगा और इस ये वाला पार्ट आएगा दूसरे वाले एंगल का। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप जैसे नेमिंग करते हो डी ए बी, तो क्या लिखोगे डी ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू, यहां देखो डी ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी बी ए बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंस कंडीशन। कैसे, जब मैं ये वाला ट्रायंगल लूंगी तो मेरा एंगल ये पूरा है, इसका एंगल ए हो गया ये रहा, और जब मैं ये वाला ट्रायंगल लूंगी तो ये मेरा एंगल कितने का हो जाएगा पूरा, मतलब 45 + 30 = 75। इसमें भी जब पूरा लूंगी तो 45 + 30 = 75। तो जब मैं ये वाला ट्रायंगल ले रही हूँ तो मेरा ए आ रहा है, जब मैं ये वाला ट्रायंगल ले रही हूँ तो एंगल बी आ रहा है, तो ए और बी सेम पोजिशन पे आ गया। ठीक है, जब ये ट्रायंगल लिया तो उस केस में दूसरा एंगल 30 वाला बी बैठेगा, जब ये ट्रायंगल लूंगी तो ये 30 वाला एंगल ए बैठेगा, तो यहाँ पर बी हो जाएगा, जब यहाँ पर बी हो जाएगा तो वहां पर ए हो जाएगा, बाकी बचा डी और सी पोजीशन। तो डी ए बी और सी बी ए, और ये वाली साइड मेरी क्या हो गई कॉमन, यहाँ पर ए बी बैठेगी तो यहाँ बी ए बैठेगी क्योंकि डी ए बी तो सी बी ए, तो ए बी और बी ए कॉमन हो गई और दो एंगल इक्वल
कॉन्ग्रुएंस कंडीशन से हमारे कॉन्ग्रुएंट है, डी ए बी एंड सी बी ए। जब डी ए बी ले रही हूँ तो ये एंगल इसमें ए पूरा आ रहा है, और सी बी ए ले रही हूँ तो ये पूरा एंगल 75 का पूरा आ रहा है, इसमें भी 75 का। इस ट्रायंगल को लेने पर एंगल बी 30 का बैठेगा, इस ट्रायंगल को लेने पर एंगल ए 30 का बैठेगा, ठीक है। और ए बी और बी ए कॉमन होगी साइड, दोनों की कॉमन साइड है, ठीक है। अब जैसे हम ये क्वेश्चन अब आपका कंप्लीट हो सकता है बहुत इजली, ठीक है। अब मैं आपको बता रही हूँ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो आप लोग थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 में थर्ड पार्ट में ये दे रखा है डी ई एफ ट्रायंगल, फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, डी ई एफ ट्रायंगल दे रखा है और पी क्यू आर ट्रायंगल दे रखा है, ठीक है। तो इसको देखो डी ई एफ ट्रायंगल दे रखा है और पी क्यू आर ट्रायंगल दे रखा है, फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। तो एंगल ई 80 डिग्री का दे रखा है, ठीक है, एंगल एफ 30 डिग्री का दे रखा है और ई एफ दे रखी है 5 सेंटीमीटर। इसमें दे रखा है एंगल पी 80 डिग्री का दे रखा है, एंगल आर 30 डिग्री का दे रखा है और साइड दे रखी है पी क्यू 5 सेंटीमीटर। अब देखो एंगल ये ई जो है मेरा एंगल पी के इक्वल है, एंगल एफ जो है मेरा एंगल आर के इक्वल है, लेकिन इंक्लूडेड इन दोनों की एंगल की इंक्लूडेड साइड तो है 5, लेकिन इन दोनों की इंक्लूडेड साइड लेने की बजाय इसको 5 दिखाया है। तो अगर मेरी इंक्लूडेड साइड इक्वल नहीं है, जो मेरे एंगल इक्वल है उनकी इंक्लूडेड साइड इक्वल नहीं है, मुझे नहीं पता ये साइड कितने की है, ये तो 5 है लेकिन दूसरी साइड 5 दे रखी है, इंक्लूडेड एंगल्स के बीच की साइड मुझे 5 नहीं दे रखी, सो दैट एंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट बाय एएसए कंडीशन। तो इसके तीन पार्ट्स हैं, मैंने थर्ड पार्ट आपको समझा दिया, फर्स्ट और सेकंड कर लेना, अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताना। अब फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं, ये है आपका फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में ये फिगर दे रखी है, इसमें हमें बताना है कि कौन से तीन पार्ट्स मेरे इक्वल हैं, और फिर ट्रायंगल की को हमने जो ट्रायंगल मेरे कॉन्ग्रुएंट बन रहे हैं उनको मुझे सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है, ठीक है। सिंबॉलिक फॉर्म में दे रखा है और रीजन देना है कि वाई दे आर कॉन्ग्रुएंट, ओके। तो मुझे दे रखा है ये फिगर में एक ट्रायंगल बन रहा है मेरा, ये ऊपर ए डी सी और दूसरा बन रहा है ए बी सी। तो मेरी कौन सी दो साइड, कौन सी साइड्स इक्वल बैठ रही है, कौन से तीन पार्ट्स इक्वल बैठ रहे हैं, देखो इसमें दे रखा है ये और ये एंगल इक्वल दे रखा है, तो मैंने इनकी नेमिंग कर दी इजी बनाने के लिए। तो एंगल वन इक्वल टू एंगल टू, इस ट्रायंगल में मेरा ये एंगल है और इस ट्रायंगल में मेरा ये एंगल है, ठीक है। तो ये और ये भी इक्वल दे रखे हैं, 3 = 4। एक ट्रायंगल मेरा ये है और एक ट्रायंगल मेरा ये है, ठीक है। अब इंक्लूडेड साइड में जी ये दोनों, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, इन दोनों की इंक्लूडेड साइड ये कॉमन है, दोनों की इंक्लूडेड साइड कॉमन है, तो मेरा ए डी सी ट्रायंगल और ए बी सी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये तीन इक्वल पार्ट्स हो गए बाय एएसए कॉन्ग्रुएंस कंडीशन से। अब मुझे सिंबॉलिक फॉर्म ऑलरेडी दे रखा है बी ए सी एंड डी ए सी, तो मैं इसको बी ए सी और डी ए सी भी लिख सकते हो, क्योंकि तब भी वो सेम पोजिशन पे आएंगी सारी की सारी चीजें, ठीक है। ए ए एंगल इक्वल है, सी सी एंगल इक्वल है, दोनों का सेम नेम है, और साथ में मेरी ये ए सी और ए सी, सॉरी ए सी और ए सी मेरी कॉमन हो गई सेम पोजीशन पे। इसको मैं ए डी सी और ए बी सी नाम भी दे सकती हूँ, बी ए बी ए सी और डी ए सी नाम भी दे सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सेम पोजीशन पे आ रहे हैं, ठीक है ना। तो डी ए सी ट्रायंगल और बी ए सी ट्रायंगल मेरा कॉन्ग्रुएंट हो गया बाय ए एस ए कॉन्ग्रुएंस कंडीशन, एंगल साइड एंगल, तो दो एंगल के बीच की इंक्लूडेड साइड मेरी कॉमन हो गई, तो ए एस ए को ए एस ए कॉन्ग्रुएंस कंडीशन से मेरे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब देखो इसके नीचे क्या पूछा हुआ है, वैसे इससे नीचे मुझसे ये पूछा हुआ है थर्ड और फोर्थ पार्ट में, दो पार्ट्स हो गए हमारे, ठीक है। थर्ड पार्ट में पूछा हुआ है इज ए बी इक्वल टू ए डी, क्या ए बी और ए डी मेरे इक्वल होंगे, तो आप बोलोगे यस ए बी इक्वल टू ए डी, तो रीजन क्या रहेगा, बाय सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी। सी पी सी टी क्या होता है, पहले भी बताया हुआ है, कॉन्ग्रुएंट पार्ट कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, जब दो ट्रायंगल मेरे कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके बचे हुए साइड्स कॉरेस्पॉन्डिंग साइड और बचे हुए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाते हैं। मैंने ट्रायंगल ए ऐसे कंडीशन से क्या कर दिए, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए, तो ये
साइड के इक्वल हो जाएगी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, ये साइड मेरी इस साइड के इक्वल हो जाएगी। तो फोर्थ पार्ट में पूछे इज सी डी इक्वल टू सी बी, इज सी डी इक्वल टू सी डी इक्वल टू सी बी, तो आप बोलोगे यस बाय सी पी सी डी, ये भी सी पी सी डी से मेरे इक्वल हो गए। तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करने के बाद आप कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स को इक्वल बता सकते हो बाय सी पी सी डी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स करके। तो ये आपका सम कंप्लीट हो गया, इसके साथ आपके ये ट्राइजीज भी कंप्लीट हो गए, ए एस ए कॉन्ग्रुएंस कंडीशन कंप्लीट है आपकी। ओके थैंक यू।